ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कल के लिए कौन सी हमारी वॉच लिस्ट होगी, इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बाइंग में होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग में होंगे, और हम लॉजिक के साथ देखेंगे। ऐसे ही नहीं होंगे कि कोई भी स्टॉक मैंने बाय ले लिया, कोई भी स्टॉक सेल ले लिया। तो चलिए देखते हैं कौन से हमारे वो स्टॉक होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम कल का देखें, उससे पहले हम आज की जो हमारी वॉच लिस्ट है उसने कैसा परफॉर्म किया वो देख लेते। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक था वो L&T था। L&T हमारी बाइंग लिस्ट में था, तो उसमें देख लेते क्या इसमें हुआ है क्या नहीं हुआ। तो L&T ओपन हुआ ग्रीन में, गैप अप ओपन हुआ, बाद में एक कैंडल नीचे बनाई, बाद में अप चला गया। वैसे देखे तो L&T हमारी बाइंग लिस्ट में था, लेकिन ये बाइंग एक्टिव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस टाइम देख रहे हो तो आप मार्केट में, तो मार्केट में इस टाइम गिरावट चल रही थी और L&T जा रहा था एक सिंगल कैंडल देके अप जा रहा था। तो इसीलिए हमने इसको क्या है कि बाय में नहीं किया। बाद में देख लेते टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को आप देखोगे तो उसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ओपन हुआ बाद में नीचे 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 ही जाता रहा। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक था वो PFC था। तो PFC भी देख लेते, तो PFC में भी सेम है, ओपन हुआ रेड में, बाद में ये नीचे की ओर ही जाता रहा है। बाद में जो हमारा लास्ट स्टॉक था वो MGL था। MGL में देख लेते क्या होता है। तो MGL देखो ओपन हुआ रेड में, बाद में देखो इसका अगर आप इसके लो पे भी एंट्री लेते, पहली कैंडल का लो ब्रेक होने पे भी एंट्री लेते तो भी आपको 1% का प्रॉफिट हो चुका था। तो या तो आप इसमें प्रॉफिट में निकलते, या तो आप क्या है कि अगर आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया होता या तो बिना प्रॉफिट के निकलते, मतलब 0-0, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। आपको स्टॉप लॉस शिफ्टिंग आना चाहिए और करना चाहिए। तो ये थी आज की जो वॉच लिस्ट थी उसका परफॉर्मेंस। अब देख लेते कल हमारे कौन से स्टॉक होंगे, कौन से बाइंग वाले होंगे, कौन से सेलिंग वाले होंगे। तो जो कल होगा वो मेरा पहला स्टॉक होगा वो BPCL होगा। BPCL मेरे सेल लिस्ट में होगा। सेल लिस्ट में क्यों होगा उसको भी हम देख लेते। पहले मैं इसको वन डे पे कर लूँ कन्वर्ट, बाद में देखोगे तो BPCL एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, बाद में कंसोलिडेट, बाद में देखो एक बड़ी रेड कैंडल मेरे को दिख रही है। तो कल अगर BPCL मेरे को कोई सेल साइड सिग्नल मिला तो मैं इसमें सेल साइड जाऊंगा। बाद में दूसरा स्टॉक देख लेते, दूसरा है SRF। SRF मेरे सेल लिस्ट में, तो सेल लिस्ट में वो क्यों है वो देख लेते। तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक बड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, इधर आपको एक इन्वर्टेड हैमर भी दिखा, बाद में एक बड़ी सी आपको रेड कैंडल दिखी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये थोड़ा नीचे जा सकता है, तो देखते हैं SRF कल क्या कर सकता है। बाद में मेरा तीसरा स्टॉक है वो है PFC। PFC को मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना इसको डाउन ट्रेंड या रिट्रेस करना चाहिए उतना इसने अभी तक नहीं किया। तो देखते अगर कल ये फिर से मेरे को सेल साइड कोई सिग्नल देता है तब मैं इसमें फिर से सेलिंग में जाऊंगा। तो नॉर्मल सी बात है PFC आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वॉल्यूम भी आ रहा, तो मेरे को लग रहा है कि और थोड़ा ये डाउन जा सकता है। बाद में हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मेरा सेल लिस्ट में, नॉर्मल सी बात है, मैंने बोला कल परसों भी ये मेरे सेल लिस्ट में था, तो इसमें ये लेवल ब्रेक नहीं किया और बाद में रेड कैंडल भी बनाती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इधर से थोड़ा और नीचे जाएगा, अगर ये इधर से और नीचे गया तो इस लेवल के आसपास तो शायद हो सके तो जा सकता है। तो मेरे को लग रहा है कि अभी ये एक्सिस बैंक क्या है कि थोड़ा और डाउन ट्रेंड दे सकता है, तो एक्सिस बैंक मेरे सेल लिस्ट में। बाद में मेरा स्टॉक होगा वो TCS होगा। TCS मेरी बाइंग लिस्ट में होगा। अभी बाइंग लिस्ट में क्यों है उसके पीछे रीजन है, देखो ये इधर से नीचे है अप चला गया, बाद में नीचे है और जो इसका लास्ट सपोर्ट था इधर से अप जा सकता है ऐसा मेरे को लग रहा है। मेरे को लग रहा है तो देखना पड़ेगा कल क्या हो सकता है। अगर मेरे को ये कल बाइंग में अपॉर्चुनिटी देता है तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा, लेकिन पहले मैं देखूंगा अगर मेरे को कुछ मिलता है बाइंग सेट तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। इसके बाद जो मेरा लास्ट स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मेरे बाय लिस्ट में। नॉर्मल सी बात है, एक आपको अप ट्रेंड दिखा, बाद में थोड़ा डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट भी आप इसे बोल सकते हो, बाद में सडनली अप ट्रेंड आया। अगर ये कल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। तो देखना पड़ता है कल क्या होगा। अगर मेरे को कल ये लेवल के ऊपर मिल गया तब मैं बाइंग में आऊंगा, इसमें मैं सेलिंग में नहीं आऊंगा। कुछ भी हो जाए डॉक्टर रेड्डी में मैं कल सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड दिख रहा है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। तो ये थी वॉच लिस्ट कल की इंट्राडे के लिए। आपको देखना पड़ेगा आप कौन से स्टॉक बाइंग ले जा सकते हो, कौन से स्टॉक सेलिंग ले जा सकते हो। अगर उसमें कुछ आपको बाइंग या सेलिंग दिख रहा है तब आप उसमें एंट्री ले सकते हो। ऐसा ही नहीं होता कि बाइंग वाले बाइंग में एंट्री ले ली, सेलिंग वाले सेलिंग में एंट्री ले ली।
जिस साइड आपको कुछ दिखने को मिलता है उस साइड आप एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे और वीडियो आगे लेके आएंगे। तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने आगे बोला है, अगर आपको लर्निंग करनी है, कुछ जानना है इंडिकेटर के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में, तो सिंपल है, इसके लिए आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।